हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। और मैं हूँ आपकी अपनी हूँ सिमरन। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में आप ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिसको ज़्यादा से जो आपका बेबी है वो एकदम गोरा और बुद्धिमान पैदा हो। तो देखिए, रंग और रूप दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे दोनों सेम है, बट जो बच्चे का विकास है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं आज आपको चार चीज़ें बताने जा रही हूँ वो आपके बच्चे के रंग के साथ साथ बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के दिमाग के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये चीज़ें 9 महीने खाते हो तो आपका जो बच्चे का डेवलपमेंट है रंग से लेकर उसके पूरे बॉडी पार्ट्स तक, उसके ब्रेन तक, उसकी मसल्स तक, तो वो सब है वो बहुत ज़्यादा हेल्थी होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सी रेलिवेंस वीडियो मिलेगी। और रोज सुबह 10 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपका बहुत ज्यादा साथ देगी आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फॉलिक एसिड। मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, आपको जल्द से जल्द बताती हूँ कि चार चीजें कौन सी हैं। तो पहला है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड टैबलेट फॉर्म में आता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। पालक खाइए, दाल खाइए, पास्ता, पास्ता में भी होता है, आपको नहीं पता होगा बट वीट पास्ता में भी आपको फॉलिक एसिड मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो खा के भी आप फॉलिक एसिड की कमी पूरी कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो है डॉक्टर प्रेगनेंसी 4 हफ्ते पहले और प्रेगनेंट डिलीवरी के 4 से 8 हफ्ते बाद तक फॉलिक एसिड रेकमेंड करते हैं। आपको पूरे पीरियड में फॉलिक एसिड खाना होता है जो कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और कईयों को ये नहीं पता कि फॉलिक एसिड जो होती है वो मदर के लिए एज वेल एज बेबी की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो आपकी स्किन की कंडीशन प्रेगनेंसी में हो जाती है उसको भी सुधारने में आपका फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। साथ साथ में जो बेबी आपके अंदर पल रहा है उसके स्किन टोन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और बेबी ब्रेन के डेवलपमेंट फॉलिक एसिड से बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जब बच्चा 5 साल तक का होता है तब भी जो माएँ होती हैं वो दूध में कहीं ना कहीं ऐसे डाइट देकर बच्चे का फॉलिक एसिड बढ़ाती हैं। तो अगर आप 9 महीने से थोड़ा सा पहले, जैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में सोच रही हैं, अगर उससे पहले से स्टार्ट कर देंगे फॉलिक एसिड खाना तो आपका बच्चा हेल्थी तो होगा, साथ में उसका स्किन कलर और ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगला है घी। आपने सुना होगा कि घी खाने से हमारी मांसपेशियां जो होती हैं, हमारी मसल्स, हड्डियां होती हैं, मजबूत होती हैं। वैसे ही अगर प्रेगनेंसी में हम घी खाते हैं, स्टार्टिंग में थोड़े अमाउंट में खाइएगा और लास्ट में लिवर पेन जाने तक आप जो है ज़्यादा अमाउंट में खाइएगा। तो स्टार्टिंग के 8 महीने आपने जो घी है उसकी क्वांटिटी कम खानी है, बट खानी ज़रूर है, क्योंकि आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत करने में, साथ साथ में उसकी मांसपेशियां जो बन रही होती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है घी। उसके साथ साथ जो स्किन टोन है वो भी आपकी वो अच्छी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपको सनटैन हो जाती है तब भी आप अगर घी मलते हैं आपको सनटैन नहीं होती। कईयों को ये बात नहीं पता होगी, लो इससे पता लग गई। तो अगर आप घी प्रेगनेंसी में खाते हैं उससे बच्चे का जो रंग रूप है वो गोरा पैदा होता है और उसके दिमाग और हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। साथ साथ में 9वें महीने के बाद से अगर घी की क्वांटिटी बढ़ा ली जाए तो आपकी लेबर पेन के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इजिली आपको जो लेबर पेन है वो आ जाती है और इजिली आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो सेकेंड था घी। घी भी आपको जरूर प्रेगनेंसी में खाना चाहिए। अगला है अंगूर का रस। अंगूर का रस मैंने इसलिए कहा क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आप अंगूर नहीं खा पाएंगे, तो आप अंगूर का जूस पी सकते हैं। अंगूर के जस में जो रस होता है उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, साथ में आपके बच्चे के रंग रूम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप दिन में 60 ml जूस पी लेते हो 2 बार तो आपके बच्चे का रंग रूप तो अच्छा होगा, साथ में जो बच्चे का विकास है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगा। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीना, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मे बी आपको प्री लेबर के सिम्टम हो सकते हैं। 60 ml बताया गया तो आप जस्ट 60 ml इसको कंज्यूम करिएगा। अगला है आपका फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में आपको क्या करना है जिसमें विटामिन सी हो। विटामिन सी मोस्टली जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं लाइक संतरा हो गया आपका, उनमें होता है। विटामिन सी बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी के कैप्सूल भी मार्केट में आते हैं जो मोस्टली स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं। तो अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में विटामिन सी लेंगे
देंगे तो आपका जो बच्चे का स्किन टोन है वो भी इम्प्रूव होगा, एज वेल एज आपके बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होगा, साथ साथ में जो उसकी हड्डियाँ वो भी मजबूत होगी। तो आप अपने खाने में विटामिन सी जरूर इंक्लूड करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये चार चीज़ें जैसे संतरा हो गया, फ्रूट्स हो गए, घी हो गया, आपका क्या नाम है अंगूर का जूस हो गया, उसके बाद आपकी जो आईपॉड, तो ये चीज़ें थी। तो ये चीज़ें खाने से आपका जो बच्चे का रंग है वो बहुत ज़्यादा निखर कर आएगा और बच्चे की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहेगी। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी सबसे ज़्यादा नीड हो। थैंक यू सो मच।